लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है। एक्टर का सुसाइड करना उनके परिवार के लिए काफी चौंकाने वाला था। सुशांत राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया था, वहीं उनकी अस्थियों को पटना की गंगा नदी में विसर्जित किया गया था। सुशांत के निधन के बाद से ही उनके पिता ना तो किसी से बात कर रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे। वहीं अब सुशांत के पिता ने अपने बेटे के निधन के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है। बेटे को खोने का दर्द साझा किया सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अपने बेटे को खोने का दर्द साझा किया। साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने अंकिता लोखंडे और एक्ट्रेस कृति सेनन के बारे में भी बात की। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बताया कि अंकिता लोखंडे ही अकेली ऐसी थी जो उनसे मुंबई वाले घर पर मिलने आई थी और फिर पटना भी मिलने आई थी। सुशांत के पिता ने कहा, हाँ वो आई थी, मुंबई भी आई थी और पटना भी आई थी। वहीं सुशांत अंकिता के रिश्ते पर बात करते हुए उन्होंने कहा, है तो संजोग है, होना होता है होता है। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। सुशांत के सुसाइड से अंकिता काफी दुखी थी। उनके करीबियों के अनुसार अंकिता रात भर रोती रही। सुशांत के पिता से जब बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके पास आकर सिर्फ एक्ट्रेस कृति सेनन ने बात की थी। सुशांत के पिता ने कहा कि बहुत लोग आए थे, लोग कोरोना की वजह से सब दूर थे और सबने मास्क पहन रखे थे। कृति आई थी, बात भी की, हम कुछ नहीं बोले, बस सुने। उसने कहा बहुत अच्छा लड़का था। बता दें एक्ट्रेस कृति सेनन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राबता में काम किया था। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म कृति और सुशांत की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। फिल्म राबता के प्रमोशन के दौरान कृति और सुशांत के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि इन खबरों पर कृति और सुशांत की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था।